नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 8 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में नियोजित शिक्षकों को सरकार जल्द देने जा रही है तोहफा। सभी नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने सभी 3.75 लाख नियोजित शिक्षकों को अगले साल सेवा शर्त की सुविधा देने जा रही है, जिसके तहत सभी नियोजित शिक्षकों को सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ मिलेगा। ज्ञात हो, सरकार का सेवा नियमावली का यह तोहफा प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के लिए होगा। इसके अलावा सरकार ने सभी महिला शिक्षकों को 180 दिन के मातृत्व अवकाश का सुविधा देने का भी ऐलान किया है। उद्योग मंत्री श्याम रजक पहुंचे गुजरात। बिहार में निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मंत्री श्याम रजक गुजरात पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने अहमदाबाद के निवेशकों को बिहार की तरफ आकर्षित करने के लिए रोड शो का आयोजन किया था। जहां पर रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में इस वक्त निवेश के लिए माहौल अनुकूल है, बेहतर है। साथ ही साथ उन्होंने वहां के कारोबारियों के संग 1-to-1 मीटिंग भी की। किसानों को अब मिलेगा बहुसफल चयन की सुविधा। किसानों के लिए अहम सूचना, राज्य फसल सहायता योजना की सारी ऑनलाइन प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए सहकारिता विभाग ने अलग अलग तारीखों का ऐलान किया है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इस ऑनलाइन योजना में अब किसानों को एक से अधिक फसलों के चयन की सुविधा मिलेगी। सरकार के इस कदम से रैयत और गैर रैयत किसानों को काफी सहायता मिलेगी। त्रिपिटक सत्तू पाठ की गूंज 11 भाषाओं में। इन दिनों गया के महाबोधि मंदिर में त्रिपिटक ग्रंथ 10 विदेशी भाषाओं समेत पाली भाषा में गूंज रहा है। विभिन्न पंडालों में विराजमान लगभग 11 अलग अलग देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने एक साथ अपनी अपनी भाषा के अनुसार पाठ किया है। वहीं भारतीय भिक्षु पवित्र बोधि वृक्ष की छाव में पाली भाषा में इस पाठ को पढ़ रहे हैं। विभिन्न देशों से आए भिक्षुओं द्वारा किए जा रहे इस सत्तू पाठ की गूंज को सुनने के लिए स्थानीय लोग समेत विभिन्न राज्यों से आए लोगों का मजमा लग रहा है। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रकाश झा की। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर फिल्मों का प्रकाशन करने के लिए जाने जाते हैं प्रकाश झा। प्रकाश झा इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक में से एक है। प्रकाश झा का जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बिहार और दिल्ली से की है, मगर उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, जिसके बाद वो मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए निकल पड़े, जहां पर वो धर्मा फिल्म के साक्षी बने थे, जिसके बाद से ही उन्होंने फिल्मों के निर्देशन का फैसला लिया था। निर्देशन में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने फिर 1973 में पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था। प्रकाश झा का निर्देशन का तरीका बाकी सारे निर्देशकों से काफी अलग माना जाता है। पैक्स चुनाव के पहले चरण के मतदान की सारी तैयारी हो चुकी है पूरी। 9 दिसंबर को पैक्स चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव के मद्देनजर नालंदा जिले में सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। इसके तहत जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार के एक संयुक्त प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया था, जहां उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आगामी चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। नवादा के इंद्रसाल गुफा में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जिले के पार्वती पहाड़ पर स्थित इंद्रसाल गुफा भगवान बुद्ध की जीवन काल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम स्थल होने के कारण यह बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। बौद्ध धर्म ग्रंथों और प्राचीन काल साहित्य में उक्त स्थल के संदर्भ में वर्णित है कि बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु लौटने के क्रम में गौतम बुद्ध पार्वती के वैदिक पर्वत पर रुके थे और इसी गुफा में देवराज इंद्र ने उनसे 42 सवाल किए थे। गुफा के पश्चिमी दरबार पर उक्त वार्तालाप की 42 लकीरें आज भी गवाह के रूप में विद्यमान है। चीनी यात्री हुएन सांग और फई हान भी भारत यात्रा के दौरान यहां आए थे। इसका वर्णन उनकी पुस्तक में भी देखने को मिल सकता है। अभी प्याज की बढ़ती कीमतों से नहीं मिलेगी राहत। प्याज के बढ़ते दाम के कारण आम जनजीवन काफी ज्यादा परेशान है, मगर अभी भी प्याज की बढ़ती कीमत से निजात मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हाल ही में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि देश में बढ़ते प्याज की कीमत पर काबू पाने के लिए सरकारी व्यापम उपक्रम प्याज का आयात कर रही है, जो कि अगले साल 20 जनवरी को पहुंचने की उम्मीद है। तब तक लोगों को इसी महंगाई के साथ प्याज का सेवन करना होगा। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हम लड़ेंगे चुनाव, सुशील मोदी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भाजपा जदयू गठबंधन पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साल 2013 में भाजपा जदयू के बीच आई दरार के बाद दोबारा हुई दोस्ती से दोनों दलों के सांठगांठ और ज्यादा गहरी हो गई है। अब इस गठबंधन के टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों पार्टियों के बीच जो भी छोटे मोटे मतभेद हैं, वो सब के सब आपसी बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे। बिहार में महाराष्ट्र जैसी परिस्थिति कभी भी पैदा नहीं हो सकती है। हम आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एकजुट होकर लड़ेंगे। बुजुर्गों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बना बिहार। बिहार के समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने हाल ही में अपने दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि बिहार समूचे देश का ऐसा एकमात्र और पहला राज्य है जिसने कि सभी बुजुर्गों को पेंशन देने की योजना को लागू किया है, जिसके तहत एपीएल और बीपीएल के मापदंड को बिहार से हटा भी दिया गया है। अभी फिलहाल समूचे बिहार में 5,28,000 बुजुर्गों को समाज कल्याण के माध्यम से पेंशन दिया जा रहा है। ज्ञात हो, बातें रामसेवक सिंह ने बरौली प्रखंड के देवपुर में जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कही है।
बिहार में धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करने वालों के लिए विशेष सुविधा। बिहार में चलाए जा रहे आस्था सर्किट योजना के तहत लोगों को अलग अलग धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सस्ते पैक में यात्रा करवाई जा रही है, जिसके तहत पिछले साल 2 ट्रेनों की शुरुआत की गई थी, जबकि इस साल इन ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, इसे 7 कर दिया गया है। इसके अलावा IRCTC ने इन 7 ट्रेनों के अलावा 3 अन्य ट्रेनों की शुरुआत करने की भी योजना पर अभी सोच विचार कर रही है। अब रेलवे विभाग जुड़ेगा इसरो से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब ट्रेन के सही लोकेशन नहीं मिलने की परेशानी से यात्रियों को जल्द ही निजात मिलने वाला है। अब सभी यात्रीगण ट्रेन के एग्जैक्ट लोकेशन को जान सकेंगे, जिसके तहत अब रेलवे अपने डिब्बों में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाने जा रहा है, जिसका जुड़ाव सीधे सीधे इसरो से होगा। यानी कि अब ट्रेन परिचालन संबंधी सटीक सूचना के लिए ट्रेनों को इसरो से जोड़ा जा रहा है। नालंदा पहुंचे भूटान के राज परिवार के सबसे छोटे सदस्य। बिहार के नालंदा में अपने जन्म के बाद दूसरी बार भूटान की महारानी दोरजी वांगचुक के 6 साल के नाती टुएक वांगचुक पहुंचे, लेकिन 6 साल के ये नन्हे मेहमान बस भ्रमण करने नहीं आए थे, मगर अपने पिछले जन्म से जुड़ी यादों को तलाशने आए थे। आपको बता दें, भूटानी समाज पुनर्जन्म में बहुत भरोसा रखते हैं, इसी वजह से उनका भी यही मानना है कि यह उनका दूसरा जन्म है। इससे पहले वाले जन्म में वो प्राचीन विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। आज होगी CTET की परीक्षा। 91 केंद्रों पर होने वाले CTET परीक्षा का आयोजन आज यानी कि 8 दिसंबर को होने वाला है, जिसका सकुशल समापन के लिए अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में CTET परीक्षा के तहत सभी तैयारियों का जायजा लिया गया है। ज्ञात हो, आज आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रथम पाली की परीक्षा 9 बजे से 12 बजे तक होगी, वहीं सेकंड सिटिंग की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। बिहार में पुलिस कर्मियों को आया रिपोर्ट कार्ड। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के पुलिस ऑफिसर्स की रिपोर्ट कार्ड जारी की है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों के काम से जुड़ी बातें दूध की तरह साफ हो गई हैं। खासकर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में पुलिस कर्मियों के कामकाज का ब्यौरा बेहद ही खराब आया है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने अपने शोध के बाद टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची तैयार की थी, जिसमें बिहार का नाम कहीं भी नहीं आया। 30,874 करोड़ का बिहार में है महिला बजट। उक्त जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। उन्होंने होटल लेमन ट्री में क्लोजिंग दी जेंडर गैप हेल्थ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कार्यक्रम का संबोधन करने के दौरान कहा है कि बिहार सरकार ने साल 2019-20 में महिलाओं के लिए 9,336 करोड़ के लागत की 39 योजनाओं का शिलान्यास किया है। वहीं राज्य सरकार महिला बजट में 30,874 करोड़ खर्च कर रही है। सुशील मोदी ने चुनाव के पूर्व दिया बड़ा बयान। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों की कयासबाजियां शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दलों के गठजोड़ पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा, जदयू और राजद में से जो भी 2 दल एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, उन्हीं की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार की राजनीति एक ट्रायंगल है, जिसकी एक भुजा राजद है, दूसरी जदयू है और तीसरी भाजपा है। इनमें से जो भी 2 कोण मिलेंगे, उनकी जीत सुनिश्चित है। इन जिलों के सड़क को चकाचक करने में खर्च होंगे 226.14 करोड़। बिहार के 6 जिलों के सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार प्रतिबद्ध हो चुकी है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने यह ऐलान किया है कि नालंदा, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर की सड़कों को चकाचक करने के लिए सरकार कुल मिलाकर 226.14 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जिसके निर्माण कार्य का काम 18 महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। वोट पाने के लिए गिड़गिड़ाते दिखे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का समापन कल हो चुका है, मगर मतदान के दिन चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का अलग ही रूप देखने को मिला। चुनाव में वोट पाने के लिए एक उम्मीदवार गिड़गिड़ाता नजर आया, जो कि जमीन पर लेटकर लोगों से वोट करने की अपील कर रहा था। रघुवंश यादव के अपने ही पार्टी के लिए बोल हुए तल्ख। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हैं, मगर रघुवंश प्रसाद के तेवर से कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ही रघुवंश प्रसाद ने अपने आप को पार्टी से अलग अलग कर लिया था, जिसके बाद से उनकी काफी बयान भी सुनने को मिले हैं। उन्होंने अपने एक बयान में साफ कर दिया है कि पार्टी ऐसे नहीं चलती, पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं से कर्मचारियों की तरह सुलूक किया जाता है। भारत वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 आज। अजय बढ़त के इरादे से उतरेगा भारत। पहले T20 में शानदार रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने के बाद विराट की अगुवाई में भारतीय टीम 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं वेस्ट इंडीज की टीम दूसरे T20 में जीत कर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी। विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के लिए बिग बी ने दी बधाई। बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, यह बात किसी से भी नहीं छुपी है। इसी का प्रमाण यह देखने को मिला जब हाल ही में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुए मैच पर अति उत्साहित दिखे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट करते दिखाई दिए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्होंने बड़े ही अनोखे अंदाज में बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि यार, कितनी बार बोला मैं तेरे को कि विराट को मत छेड़ मत छेड़ मत छेड़, पर सुनता ही किधर है तुम, अभी पर्ची लिखकर दे दिया ना हाथ में।
आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ बादलों का आना जाना लगा रहेगा, जिसके कारण ठंड भी बढ़ेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा, मगर ठंड का असर बढ़ेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,310 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,310 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 47,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.6 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.25 रुपए प्रति लीटर था। अंसारी समाज के लिए जल्द होगा महासम्मेलन। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने ही बचे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां अभी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में अंसारी समाज को एकजुट करने के लिए पटना में आज यानी कि 8 दिसंबर को महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां पर बिहार के हर जिले से अंसारी समाज के लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इस महासम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य अंसारी समाज को एकजुट करने का है। ज्ञात हो, आयोजित इस महासम्मेलन में देश के कई जाने माने अंसारी समाज के नेता आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार में नियोजित शिक्षकों की मांग कितनी जायज है, अपने विचार दें। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलिए बढ़ते हैं गिव अवे की तरफ। गिव अवे 6 के लिए जारी किए गए क्राइटेरिया के पूरा नहीं होने के कारण हम गिव अवे 6 के विजेता की घोषणा नहीं कर पाएंगे, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे आने वाले वीडियोस में हम एक बार फिर गिव अवे का प्रावधान जरूर लेकर आएंगे, इसलिए हमारे वीडियोस को देखते रहें। और क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।